हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर अभी सब्सक्राइब करें शाहजी नेटवर्क और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले कल्ब में एक तड़प उठी, आंसुओं से वजू किया और या रसूल अल्लाह अलैका सलाम आपको देखता रहा, आपको देखता रहा, सजदे का होश किसको था? आपको देखता रहा, बाबा सजदे का होश किसको था? अरे एक नमाज हो गई, एक नमाज रह गई, है है, एक नमाज हो गई, एक नमाज रह गई। मैंने अर्ज किया ए अली, कौन वाली हो गई, कौन वाली रह गई? मौला अली फरमाते उल्फत रजा, मोहब्बत वाली हो गई, इज्जत वाली रह गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा उल्फत रजा कलंदरी साहब के बिना सरजमीने खजुरिया, खजुरिया का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, मोहब्बत वाली हो गई, हाय हाय, शरीयत वाली रह गई, हाय हाय, बाबा वाकया सब जानते हैं जी जी, कि मौला अली की असर की नमाज कजा हुई है जी जी। अब जब मेरे आका बेदार हुए ना तो अली को रोते देखा, हाँ हाँ, तो मौला अली से आका फरमाते हैं अली रोते क्यों हो जी, रोते क्यों हो? मेरे आका से मौला अली अर्ज करते या रसूल अल्लाह सूरज डूब गया। कैसे डूबा? या रसूल अल्लाह वो डूब गया, या रसूल अल्लाह मैं रोते रहा वो डूब गया, मैं सिसकियां लेते रहा वो डूब गया, मैं हिचकियां लेते रहे वो डूब गया, या रसूल अल्लाह मेरे आंसू पे तरस न खाया वो डूब गया, या रसूल अल्लाह मैं रोते रहा वो डूब गया। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, तो मेरे आका फरमाते हैं अली नमाज कजा हो गई, अब ये बताओ नमाज कजा पढ़ोगे या अदा पढ़ोगे? हे हे हे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नमाज कजा पढ़ोगे अदा? हाँ हाँ, किसी वहाबी का अकीदा नहीं पेश कर रहा हूँ। आज का कोई ओटक का पैजामे वाला होता जी तो कहता आप तो कजा हो ही गई। हाँ हाँ, मगर अली कहते हैं या रसूल अल्लाह जिसका आका रहमतुल्लिल आलमीन हो उसे कजा पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं तो अदा पढ़ूंगा। हाय हाय हाय, बाबा अदा पढ़ूंगा, अदा पढ़ूंगा। आका फरमाते अली तो वजू करो जी, मौला अली ने वजू किया, मुसल्ला बिछा और मौला अली खड़े हैं, हाथ बांधे, हाथ बांधे खड़े हैं। मेरे आका ने इशारा किया ए सूरत, सुभान अल्लाह, हजरात दुनिया ने देखा है कि सूरज असर में आ गया है, मगरिब का है, ये नबी ने इशारा किया क्योंकि सूरज जानता था उंगली किसी दुनियादार की नहीं है, उंगली मदीने के ताजदार की है। हाय हाय हाय, बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हजरात हाय हाय, और बाबा उंगली किसी दुनियादार की नहीं, मदीने के सरकार की है। हजरत जैसे ही सूरज निकला, सूरज निकला ना तो मैंने भी पूछ दिया ये सूरज एक बात तो बता, आज क्यों निकला है? आज मामूले के खिलाफ क्यों निकला है? आज तरीके के खिलाफ क्यों लिखता है निकला है ये सूरज? जब तू एक बार डूब जाता था, एक बार जब तू छिप जाता था तो रात को छिपता था, शाम को छिपता था तो सुबह को निकलता था, आज मामूल के खिलाफ कैसे निकला? तो सूरज ने जवाब दिया था ये खजुरिया वालों, सूरत ने यही कहा था ये मौलाना कलंदरी रोज निकलता था दुनियादार के लिए, आज निकला हूँ दामादे महबूबे परवरदिगार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा उल्फत रजा कलंदरी साहब क़िबला सरजमीने खजुरिया, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है जी? अब तकरीर थोड़ी देर और करूं
जी सुनोगे जी हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। तो अली ने नमाज पढ़ने की नीयत बांधी है, अली नमाज पढ़ रहे हैं। हजराते हजरात आलमे तसव्वुरात में मैंने सूरज से पूछ दिया, ये सूरज एक बात तो बता, ये सूरज कब तक निकला रहेगा, ये सूरज कब तक निकला रहेगा? क्या जब तक अली सलाम नहीं फेरेंगे हम जब तक निकले रहेंगे? मैंने कहा एक बात तो बता, ये सूरज बात समझ में नहीं आई, अगर अली ने एक घंटा सलाम नहीं फेरा कहा हम एक घंटा निकले रहेंगे, अली ने दो घंटा सलाम नहीं फेरा कहा हम दो घंटा निकलेंगे, अली ने चार घंटे में सलाम फेरा कहा हम चार घंटा निकले रहेंगे। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया जब मैं घंटे बढ़ाता जा रहा था तो सूरज ने ज़माने हाल से यही कहा था, ये मौलाना कलंदरी अगर अली कयामत की सुबह तक सलाम नहीं फेरेंगे तो हम कयामत की सुबह तक निकले रहेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है अली जी सुभान अल्लाह। ये है अली अली। और एक बात बता दूं, हर इंसान ये चाहता है या अल्लाह हमें जन्नत अता कर दे। बोलो आपको भी चाहिए ना? अरे जन्नत तो सबको चाहिए जी, जन्नत तो सबको चाहिए, सबको चाहिए। खजुरिया वालों को भी चाहिए जी 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 जी, कुर्बो जवार से जो लोग आए उनको भी चाहिए जी, कमेटी वालों को चाहिए जी, कमेटी वालों को भी चाहिए। मेरे मौला सबको जन्नत अता कर दे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। या अल्लाह जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको जन्नत अता कर दे। आवाज आई मौलाना कलंदरी, जन्नत ऐसे थोड़े मिलेगी, ऐसे थोड़े मिलेगी। हमने अर्ज किया मेरे परवरदिगार, नमाज पढ़ी जन्नत के लिए, रोजा रखा जन्नत के लिए, हज किया जन्नत के लिए, जकात दिया जन्नत के लिए, कुरान पढ़ा जन्नत के लिए, तस्बीह पढ़ा जन्नत के लिए। हा हा हा, जोर से बोलो, जोर से बोलो। नमाज पढ़ी अब तो जन्नत मिल जाएगी, रोजा रखा अब तो जन्नत मिल जाएगी, हज किया अब तो जन्नत मिल जाएगी, ज़कात दिया अब तो जन्नत मिल जाएगी, कुरान पढ़ा अब तो जन्नत मिल जाएगी, तस्बीह पढ़ा अब तो जन्नत मिल जाएगी। आवाज आती है मेरे बंदे, नमाज पढ़ी जन्नत की कोई गारंटी नहीं। हाँ 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 हाँ, तो उधर भी है जी जी, नमाज वो भी पढ़ते हैं जी जी, कुरान वो भी पढ़ते हैं, हज वो भी करते हैं, नमाज पर जन्नत की गारंटी नहीं जी। आओ एक लम्हा के लिए करबला चलते हैं जी जी, उधर 22,000 का लश्कर है, इधर 72 है। सुभान अल्लाह, जरा बोलो यार, जरा बोलो, बोल के सुनिए। सुभान अल्लाह, माइक वाले भाई जरा इसको सही कर दो यार, लोग रोज जल से करते हैं, इसकी आवाज बुलाइए थोड़ा सा, इसका इसको खोलिए। नहीं अगर मैं वो भी कर सकता हूँ जो रिजवान भाई कह रहे हैं, माशाल्लाह तवज्जो है जी। जन्नत नमाज पर नहीं, उधर 22,000 भी नमाज पढ़ते, 72 भी नमाज पढ़ते, कलमा इधर भी है, कलमा उधर भी है, कुरान इधर भी है, कुरान उधर भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उधर भी उधर 22,000 का लश्कर है, इधर 72 है। यजीदी खेमे में भी आजाद होती, हुसैनी खेमे में भी आजाद होती। मैंने आलम तसव्वुरात में इमाम की बारगाह में अर्ज किया, मेरे इमाम करबला में झगड़ा हाथ का था नमाज का ना था, मेरे इमाम हाथ देते या ना देते नमाज तो एक जगह होने देते। तो मेरे आका इमाम हुसैन फरमाते हैं, ये मेरे नाना के गुलाम तुझे नहीं मालूम है, लंबी जमात देख कर ना जा, नमाजियों की कसरत देख कर ना जा, ज्यादा जमा नमाजी देख कर ना जा, नमाजियों की भीड़ देख कर ना जा, अरे जमात देख कर ना जा, इमाम देख कर जा। अगर इमाम नाना का वफादार है तो हाथ बांध कर खड़ा हो जा, और इमाम अगर मुस्तफा का गद्दार है तो लात मार कर वापस हो जा। वफादार के पीछे होती है, गद्दार के पीछे बोलो, गद्दार के पीछे नहीं होती है, गद्दार के पीछे नहीं होती है। और रब ने भी फरमाया, अल्लाह फरमाता है, महबूब कयामत में गुनाहगार लाओगे बख्श दिया जाएगा, गद्दार लाओगे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। गद्दार जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तवज्जो है भैया, भैया थोड़ा सा, थोड़ी देर आप ये चाय अगर चला दो तो मैं चला जाऊंगा। ये कोई चाय पीने नहीं बैठा, चाय पियोगे भाई?
ये चाय पीने वाले नहीं है, ये तो गौसे आजम की मोहब्बत का जाम पीने बैठे हैं। बोलो बताओ, चाय पियोगे या जाम? जाम पियोगे ना तो चाय वाले से दूर हो जाओ। अब कोई चाय लेके नहीं आएगा, ये सब जाम पीने बैठे हैं। तवज्जो है? और अभी मुफ्ती साकिर साहब बैठे हुए हैं, मौलाना कलंदरी कैसी बात करते हैं, इनका इलाका है, ये सब उलमा बैठे हैं कि कहते हैं नमाज पर जन्नत की गारंटी नहीं, नमाज से जन्नत नहीं मिलेगी, रोजे से जन्नत नहीं मिलेगी, कैसी बात करते हैं। इनको गुस्सा भी आ रहा है बैठे बैठे, मगर हजरत मैं हजरत बैठे हुए हैं, मगर मैं आपका ज़हन साफ कर दूं। सुनो, चाहते हो नमाज से जन्नत मिले, रोजे से जन्नत मिले, हज करो तो जन्नत मिले, ज़कात दो तो जन्नत मिले, नमाज पढ़ो तो जन्नत मिले, तो सुनो, नमाज थाना भवन जैसी ना पढ़ला, नमाज वहाबी जैसी ना पढ़ला, नमाज देवबंदी जैसी ना पढ़ला, नमाज गैर मुकल्ले जैसी ना पढ़ला, नमाज कादियानी जैसी ना पढ़ला, नमाज वहाबी जैसी ना पढ़ला, नमाज ऐसी पढ़ना जैसी कि अजमेर में गरीब नवाज ने पढ़ी है, नमाज ऐसी पढ़ना जैसे दिल्ली में निजामुद्दीन ने पढ़ी है, नमाज ऐसी पढ़ना जैसे कि साबिर अलाउद्दीन ने पढ़ी है, नमाज ऐसी पढ़ना जैसी मखदूम अशरफ ने पढ़ी है, नमाज ऐसी पढ़ना जैसे कि बदायूं में छोटे बड़े सरकार ने पढ़ी है, नमाज ऐसी पढ़ना जैसे कि आला हजरत ने पढ़ी है, नमाज ऐसी पढ़ना जैसे कि ताजो शरिया ने पढ़ी है। अरे नमाज ऐसी पढ़ना ये सर खुदा की बारगाह में झुके और दिल मदीने के मुस्तफा की बारगाह में झुके। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, सर जमीने खजुरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। सर झुकाने से कोई फायदा नहीं जब तक दिल ना झुके, तो नमाज अपने बुजुर्गों के तरीके से पढ़िए। जी जी, अब मैंने अर्ज किया मेरे परवरदिगार, नमाज पर जन्नत की गारंटी नहीं, रोजे पर जन्नत की गारंटी नहीं, हज पर जन्नत की गारंटी नहीं, ज़कात पर जन्नत की गारंटी नहीं, मेरे मौला खजूरिया वालों को फिर जन्नत मिलेगी कैसे? जोर से बोलिए। अच्छा एक बात बताओ, ये जितने शायर यहाँ आए हैं और जिन्होंने पढ़ लिया है, सबने यही तो कहा, कहो सुभान अल्लाह। जी सुभान अल्लाह। हर नाज़िम भी साहब भी ये कहते कहो सुभान अल्लाह, खतीब साहब भी ये कहते कहो सुभान अल्लाह। आखिर इसका मतलब क्या है? सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है। यार बोलो यार, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है। अच्छा खजूरिया वाले कहेंगे अल्लाह पाक है तो अल्लाह थोड़ी पाक होगा, अल्लाह तो पाक है, अल्लाह तो पाक है, अल्लाह तो पाक है। खजूरिया वाले कहेंगे मौलाना जब अल्लाह पाक है तो हम अल्लाह को पाक क्यों कहें? हम कहेंगे अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, तो हमें क्या मिलेगा? ये खजूरिया वालों, जब आप इस जलसे में बैठ के कहोगे अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, तो रब देखेगा, रब फरमाएगा, फरिश्तों गवाह हो जाओ, खजूरिया में जितने लोग मुझे पाक कह रहे हैं मैंने उन सबको गुनाहों से अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर, ताजुश्शरिया, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो जरा बोल के दिखाइए अल्लाह पाक है, अल्लाह सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जन्नत, बात जन्नत की चल रही है यार। जी, नमाज पर जन्नत की गारंटी नहीं, रोजे पर नहीं, हज पे नहीं, ज़कात पे नहीं, कुरान की तिलावत पर नहीं, फिर जन्नत मिलेगी कैसे? हजरत अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, मैंने कहा जन्नत चाहिए, तो जन्नत के लिए तो खजूरिया का बूढ़ा भी खड़ा हो गया, जवान भी खड़ा हो गया, बच्चा भी खड़ा हो गया और कहने लगा मौलाना कलंदरी हमें जन्नत चाहिए, जन्नत के लिए
बेचना पड़े तो बेचूंगा, दुकान बेचनी पड़े तो बेचूंगा, अपने आप को गिरो रखना पड़े तो रखूंगा, मगर मुझे जन्नत चाहिए, जन्नत चाहिए। तो कहने वाले ने कहा, ये जन्नत लेने वाले, अगर जन्नत चाहिए तो मकान से निकल जा। हाँ, मकान से निकल गया, मैदान में उतर जा। हाँ, उतर गया। अब कहने वाला कहता है, ये जन्नत लेने वाले मैदान में उतर गया, मकान से निकल गया, अब तलवार थाम ले। हाँ, पकड़ लिया। अब कहने वाला कहता, ये जन्नत लेने वाले अगर माल हो तो लौटा के ले ले, और जान हो तो कटा के ले ले। मैंने अर्थ किया, माल कैसा हो, जान कैसी हो? तो कहने वाले ने कहा, अरे माल हो उस्मान गनी की तरह, और जान हो औलादे अली की तरह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, शाने अली, शाने अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाल्लाह। माल हो उस्मान गनी की तरह, जान हो औलादे अली की तरह, औलादे अली की तरह। ये औलादे अली कौन है? कमेटी वालों, देखो मैं तुम्हें सुनाने आया हूं, तकरीर सुन लीजिए, थोड़ी देर सुन लो यार। एक बात बताऊं, बेशुमार फरिश्ते यहां हाजिर हैं, सब देख रहे हैं। अली का जिक्र हो रहा है, अली वालों का जिक्र हो रहा है, खुदा के महबूब का जिक्र हो रहा है। तो अगर बताओ आप ना सुनोगे तो कौन सुनोगे? सुनो, ये औलादे अली कौन है? माल हो उस्माने गनी की तरह, जान हो औलादे, जो यार अली का नाम पाए जो से बोलो अली की तरह, अली की तरह। ये औलादे अली कौन है? ये सैयदना इमाम हुसैन, इमाम हसन, दोनों भाई, बचपन का जमाना है, भाई ने भाई की उंगली पकड़ी और मदीने की गलियों में टहल रहे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान, मदीना भी तो मदीना है, मदीने की शान ही क्या है, मदीने का क्या कहना, मदीने का क्या कहना। नाज़िम साहब, खजुरिया वाले तो यही कहते हैं, ए मौलाना कलंदरी, हम सुन्नी है, हम जीने के लिए नहीं पैदा हुए, हम तो मदीने के लिए पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मदीने के लिए उसी मदीने में टहलते, जहाँ इमाम साहब दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मदीने की गलियों में टहल रहे इमाम हुसैन और इमाम हसन, बचपन का जमाना। टहलते टहलते थोड़ा बाहर निकल गए, आउट एरिया में, मतलब जंगल की तरफ, जहाँ मकान नहीं थी, जंगल था। तो इमाम हुसैन ने इमाम हसन से कहा, भाई देखो ना दरख्त पे कितनी पकी पकी खजूरें लगी हैं। जी बेशक, सुभान अल्लाह, मेरा दिल चाहता है दो चार खजूर खाई जाए। तवज्जो के साथ सुनना, बड़ा लुत्फ आएगा, बड़े मजे की बात पेश कर रहा हूँ। दो चार खजूर खाई जाए। इमाम हसन ने कहा, हाँ लगी तो है, खजूरें तो बहुत शानदार है, मगर भाई ये दुकीला दरख्त है, ये कांटेदार दरख्त है, अगर आप चढ़ोगे चोट चोट लग जाएगी, आपका नाजुक बदन है, चोट लग जाएगी। इमाम हुसैन अर्ज करते, भाई जब ऊपर जाएंगे नहीं तो खजूरें आएंगी कैसे, ऊपर जाएंगे नहीं तो खजूरें आएंगी कैसे। इमाम हसन कहते, भाई टेंशन क्यों लेते हो, वो देखो कोई ऊपर पहले ही से चढ़ा है, कोई ऊपर पहले से जा, उसी से कह दो ना दो चार गिरा दे। बेशक इमाम हुसैन ने देखा, हाँ चढ़ा तो है, चढ़ा तो है। इमाम हुसैन कहते, ए लड़के जरा पक्की पक्की हमको भी गिरा दे। सुभान अल्लाह, रंग में आके बोलो सुभान अल्लाह, तो मैं कुछ सुनाता हूँ। सुभान अल्लाह, जरा पक्की पक्की हमको भी गिरा दे। जब इमाम हुसैन ने इतना कहा ना, तो खजूरें कच्ची आ गई, उसने जो खजूरें गिराई ना, तो वो कच्ची थी। इमाम हुसैन ने देखा खजूरें कच्ची है, जला लगा, जला खूने अली जोश मारने लगा। इमाम हसन से हुसैन कहते, भाई मैं इसे बता दूं कि मैं कौन हूं, तारुफ करा दूं मैं कौन हूं, परिचय दे दूं मैं कौन हूं, इंट्रोडक्शन करा दूं मैं कौन हूं, बता दूं मैं कौन हूं। बेशक इमाम हसन कहते हो हुसैन से, भाई शायद सुना ना हो, समझ में ना आया हो, धोखे से गिर गई हूँ, एक बार और कह दो।
सुभान अल्लाह। एक बार और कह दो सुभान अल्लाह। तो आप कहते ठीक है, आप कहते तो एक मौका और देते, एक बार एक मौका और देते। फिर इमाम हुसैन कहते ए लड़के कच्ची न गिरा पक्की गिरा। सुभान अल्लाह यार, बोलो यार बोलो। उसने फिर कच्ची गिरा दी। कैसी गिरा? कच्ची। सब बोलो कैसी गिरा? उसने फिर कच्ची गिरा दी। इमाम हुसैन ने देखा फिर कच्ची। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, शायर इस्लाम नईम अख्तर साहब क़िबला, शायर इस्लाम नईम अख्तर साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह शायरी मुल्क हिंदुस्तान जनाब नईम अख्तर, माशाल्लाह। मैं बात शुरू करूं? जी तवज्जो है तो जरा बोल के दिखाइए, सब लोग बोलिए ना, दोनों हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह का भाई जान इसने फिर कच्ची गिरा दिया। का अब ना बोलना, अब मैं इसे बता ही दूं कि मैं कौन हूँ। अब इसको बताना ही पड़ेगा कि मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ, मैं औलाद किसकी हूँ। इमाम हुसैन इरशाद फरमाते मेरे नाना के गुलाम के लड़के पक्की गिरा। तो खजूरें तो नहीं आई, वही नीचे आ गया। जब इतना कहा ना तो वही नीचे आ गए। और सुनो खजुरिया वालों, वो भी किसी मामूली बाप के बेटे नहीं, अरे गहरे बाप के बेटे नहीं, नथू गहरे बाप के बेटे नहीं, जो ऊपर से नीचे आए थे। अरे वो ऐसे बाप के बेटे हैं, नबी फरमाते हैं उनके बाप का नाम अगर किसी गली में ले दिया जाए शैतान उन गलियों में आना छोड़ देता है। वो उमर फारूक आजम के बेटे हैं जो ऊपर से नीचे आए, वो उमर फारूक आजम के शहजादे आ गए हाथ जोड़ के खड़े। हुजूर आपने अभी क्या कहा? इमाम हुसैन से कहते आपने अभी क्या कहा? तो इमाम हुसैन फरमाते जलाल तो पहले ही था। फरमाया जो उस वक्त कहा था वो अभी भी कह देंगे, कोई डरते थोड़ी है, कोई डरते थोड़ी है। तो आपने कहा हुजूर आपने अभी कहा क्या था, जरा दोबारा दोहराइए कहा क्या था। इमाम हुसैन फरमाते हमने ये कहा तुम और तुम्हारे बाप चाहे खलीफतुल मुस्लिमीन हो जाओ मगर रहोगे हमारी चौखट के गुलाम, हमारे ही गुलाम रहोगे। अब ये शहजादे उमर फारूक आजम के चले अपने घर, अमीरुल मोमिनीन कुर्सी खिलाफत पर तशरीफ फरमा है, हाजतमंदों की भीड़ लगी है, जरूरतमंदों का मेला लगा है फारूक आजम की बारगाह में। अदालत में पहुंच गए, करीब जाके बोले अब्बा हमें आपसे जरूरी बात करनी है। फारूक आजम फरमाते यही कहोगे? बोले हाँ यही। तो कहा यही कहनी है तो पीछे लाइन में लग जाओ, नंबर आएगा तब सुनी जाएगी। फारूक आजम फरमाते मुझे बादशाह, मुझे खलीफा, मुझे शहंशाह किसी दुनियादार ने नहीं बनाया है, मदीने के सरकार ने बनाया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताज शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयदना उमर फारूक आजम सुभान अल्लाह। अब शहजादे लाइन में लगे, आज का इधर का कोई नेता होता, मंत्री होता, संतरी होता तो मीटिंग कैंसिल कर देता, बेटी की सुनता। अब बेटी की सुनने के बाद स्कॉर्पियो निकालता, चार छह गुंडों को बैठाता, उसी के दरवाजे पर फायरिंग शुरू कर देता, निकाल तूने मेरे बेटे से क्या कहा। मगर फारूक आजम है वो उमर है उमर, वो उमर है उमर। और उन फारूक आजम के ताल्लुक से अपने ही नहीं बल्कि इसी हिंदुस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, पहले प्रधानमंत्री मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जब जमहूरियत के बारे में लिखते हैं, लोकतंत्र के बारे में लिखते हैं, तो मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू फारूक आजम के ताल्लुक से अपनी किताब में लिखते हैं कि लोकतंत्र का सबसे कामयाब दुनिया का कोई हुक्मरान गुजरा है तो मुसलमानों का अमीर उमर फारूक आजम गुजरा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये शान है उमर फारूक आजम की। अब खड़े हैं शहजादे लाइन में, अब नंबर आया,
नंबर आया, जब नंबर आया तो कहा बेटा आप कहो, आप कहो। फारूक आजम के शहजादे कहते अबू जान, हुसैन ने ना हमसे ये कहा, तुम और तुम्हारे बाप हमारी चौखट के गुलाम हो, तुम और तुम्हारे बाप हमारे गुलाम हो। अच्छा, हुसैन ने ऐसा कह दिया? बोले हाँ अबू, हुसैन ने ऐसा कहा। फारूक आजम फरमाते तेरे पास कोई गवाह है जी, जी। कोई सबूत है? बोले अबू मेरी बात पर यकीन नहीं। का ये अदालत है? अदालत, और वो भी उमर की अदालत जी, बेशक। अदालत में खड़े हो और उलमा बैठे हैं, पूछो, दावा तभी मजबूत होता है जबकि उसके लिए दलील हो। अगर कोई दावा करे कि उसने मेरे लिए मेरा मुझे कत्ल किया, मेरा छुरा मारा, तो निशान तो दिखाएगा। का कोई सबूत है? बोले अब्बू जान सबूत कोई नहीं। का अगर हुसैन ने ऐसा कहा है तो जरा कलम कागज ले जाओ, जरा लिखवा कर जाओ। बेशक, जोर से जोर से जोर से लिखवा कर लाओ। अब चले फारूक आजम के शहजादे कलम कागज लिए। अब दोनों भाई ना वही दरख्त के नीचे खजूरें खा रहे हैं, वही खजूर के दरख्त के नीचे खड़े हैं। इमाम हसन ने देखा, इमाम हुसैन से कहा, हुसैन हमने तुमसे कहा था ना जल्दी मत करो, जल्दी मत करो। अब वो सामने देखो लिखवा दे आ रहा है, अल्लाह सुभान अल्लाह, लिखवाने आ रहा है। आ गए, कहा हुसैन तुमने जो कहा था क्या वो लिख दोगे? क्या कैसी बात करते हो, हम अली के घर वाले हैं, हम अहले बैत हैं, जो कहा करते हैं वही लिखा करते। बेशक सुभान अल्लाह। आपने कलम लिया, कागज लिया, लिख दिया, तुम और तुम्हारे बाप तुम्हारा घराना हमारी चौखट का गुलाम, 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 गुलाम। सुभान अल्लाह। साइन भी कर दिए, दस्तखत भी कर दिए। अच्छा खजुरिया वालों, ईमानदारी से बताओ, अगर हुसैन इशारा